नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार प्रशासन देख ले कि क्या हालत है बिहार के भागलपुर की, जहां एक दिव्यांग ट्राईसाइकिल के लिए दर बदर भटक रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे की सरकार जन कल्याण योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की बात करती है और दावे भी करती है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने वाले जिम्मेदार अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तभी तो बरसों से भटक रहे दिव्यांग का फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीरें हैं विश्व दिव्यांग दिवस पर भागलपुर के डीएम कार्यालय की, जहां लाचार बेबस एक दिव्यांग अपने लाचार पैर से रेंगते हुए एक अदद ट्राईसाइकिल की मांग की फरियाद लेकर निभाष रजक पहुंचे थे। लेकिन ट्राईसाइकिल की चाहत में पहुंचे निभाष को पता था कि वहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। घंटों इंतजार के बाद पत्रकारों की पहल पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार दिव्यांग निभाष से मिले तो जरूर, लेकिन फिर उसे आश्वासन की घुट्टी पिलाते हुए नया दिव्यांग प्रमाण पत्र लाने की बात कर चलता किया। इसे प्रशासनिक उदासीनता कहें या फिर लाचार निभाष का नसीब, जिसे भागलपुर के डीआरडीए परिसर के चक्कर वह एक ट्राईसाइकिल के लिए बरसों से लगा रहा है। वहां दर्जनों ट्राईसाइकिल खुले आसमान के नीचे धूल फाक रही है और ट्राईसाइकिल के पास पहुंचकर उसे अपना ना बनाने की कसक दिल में लेकर वह वापस अपने सहयोगी के साथ भागलपुर से 25 किलोमीटर दूर अपने घर साइकिल पर बैठकर चला गया। आज विकलांग डे है और हम किस परिस्थिति में आज तक पांच साल से दौड़ रहे हैं। आज तक देख रहे हैं कि कितना दिक्कत होता है, चलने फिरने में इतना दिक्कत होता है। पांच साल से यहाँ आते हैं और कहता है वहाँ जाइए, लेकिन आज तक ट्राईसाइकिल नहीं। वहाँ रेड क्रॉस से यहाँ आते हैं, यहाँ भी फॉर्म जमा किए थे, ये कोसोंग में वहाँ भी जमा किए और वहाँ भी जमा किए, तो कहता है कि हरा गया फोन, कहता है फोन जाएगा। फोन जब भी नहीं करता है, पाँच साल से फोन अभी नहीं किया है। निवास रजत, ग्राम बनिया है, पोस्ट भवानीपुर, जिला भागलपुर। हम ऐसे बच्चा को 15-20 ठो को बैठ के पढ़ाते हैं। देवसरण रजक, स्वर्गीय देवसरण रजक। चार बच्चे हैं। देखिए, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए, उनके संरक्षण के लिए ऑलरेडी यहाँ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, फिर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कार्यालय भी चलता है, रेड क्रॉस के माध्यम से भी उसमें विभिन्न योजनाएं हम लोग चलाते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस, जहां दिव्यांगों के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो वहीं एक ट्राईसाइकिल के लिए पांच सालों से दर दर और दफ्तर दफ्तर भटक रहा दिव्यांग को देखकर प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की नजर इस दिव्यांग पर कब जाती है और इनके हिस्से की ट्राईसाइकिल जीवन रहते मिल भी पाएगी या फिर ये एक सपना ही बनकर रह जाएगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।